हैं। क्लास 9th के लिए, मैथ साइंस के लिए कौन सा एरिया है सर आपका? डीवाई पाटिल के पास बेटा है मेरा, मैंने वहीं पर पढ़ता है, डीवाई पाटिल में ही पढ़ता है, हम लोग रहते आपका हैं। आपका रेसिडेंस भी डीवाई पाटिल के पास ही है? हो हाँ वहीं सर। जाएंगे सर आराम से। तो कौन कोई अच्छे टीचर हैं? एक से बढ़कर एक टीचर है सर, वो सारा चीज डिपेंड करता है आपके ऊपर सर। आप जैसा हाँ। ठीक पे करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ टीचर पहुंचेंगे। हम जैसा जैसा फी पे होगा सर उसके अकॉर्डिंग टीचर पहुंचेंगे, वो अच्छा, डिपेंड करता है फी के ऊपर ही। कहाँ के टीचर को आप भेजेंगे मेरे पास और क्या फी स्ट्रक्चर है? सर देखिए फी स्ट्रक्चर जो है आपका, 9th क्लास में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा बच्चे के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि टीचर का सिलेक्शन और बुक का सिलेक्शन जो होना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं, अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बच्चा मेरा बहुत बहुत ये नहीं कहिए कि ब्रिलियंट है, एवरेज एवरेज में है, अगर देखा जाए तो 75-80% के बीच में वो लाता है मार्क्स, ठीक है। अच्छा और अगर अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छा से जब भी पढ़ता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। में क्लियर रहता है। कॉन्सेप्ट में अगर आप अच्छा से समझा लिए तो ऐसा नहीं कि 5 बार समझाना पड़ रहा है इसको, अगर अच्छा से समझाया गया तो एक बार में ही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो वो उस पर आगे बढ़ जाता है। तो उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट वाले जो टीचर अच्छा से कॉन्सेप्ट जो समझा सके, ऐसा नहीं कि वो मेरा बेटा जो है वो रटने वाला स्टूडेंट है कि रट लिया याद कर लिया, वैसा वाला नहीं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो वो ऑटो मोड में आगे बढ़ते चला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जो दें, जो प्रैक्टिस अच्छा से करवा सकें, जो समझें कि हाँ मतलब बेसिक पर काम कर सकें। 9-10 तो बेसिक का काम है, हम लोग देख रहे थे, लेकिन बार बार आपका मैसेज आ रहा था। मेरा नंबर आपके पास कहाँ से आया? सर ये बताना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटाबेस रहते हैं ना, तो मंथ के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में हाँ हम लोग सभी पेरेंट्स को मैसेज करते हैं। तो जैसे कि आफ्टर ठीक है। 25 से लेके 5 मतलब तक, 5-10 तक, मतलब हाँ जितने भी नंबर है करीब हमारे पास सर पटना के अच्छा, 5 लाख ठीक के है, ऊपर ठीक है, फैमिली कोई बात हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कैसे होगा वो, कैसे वो, क्योंकि ऑनलाइन हम उसको PW से दिए हुए हैं, फिजिक्स वाला में वो ऑनलाइन उसका क्लास चलता है, फिजिक्स वाला में दिए हुए हैं, फिजिक्स वाला से भी वो पढ़ के क्लियर करता है, लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन है। तो हम लोग चाह रहे थे कि एक अगर ऑफलाइन भी आके अगर बात हो तो ज्यादा अच्छा। जी सर, जी सर, जी सर, सही तो कैसे सोच रहे टीचर, वैसे टीचर हमको चाहिए। सर। हम आपके यहाँ जो टीचर को रिकमेंड कर रहे हैं सर, उनका फी हो जाएगा 5,000 रुपीज और वीक में वो 4 डेज जाएंगे आपके यहाँ, कितना घंटा पढ़ाएंगे? 1 आवर, क्या 1 आवर। कितने, क्या नाम है उनका? सर देखिए आपके एरिया में अभी इस फी स्ट्रक्चर को लेकर के, ठीक है ना, करीब हमारे हाँ पास 15-20 टीचर उस एरिया में होंगे जो जाने के लिए तैयार होंगे। जैसे हम लोग का सिस्टम क्या है कि आपसे हम बातचीत कर लिए, आपका डिटेल्स हम ले लिए, एड्रेस ले लिए, क्लास ले लिए, फी स्ट्रक्चर ले लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग पोस्ट करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पे हजारों की संख्या में टीचर जुड़े हुए हैं, और जो टीचर उसमें इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है ना, वो हमें कॉल करेंगे और हमें बताएंगे। फिर उनको जिनको हमें भेजना है सारी बातें, जैसे आपसे जो मेरी बातचीत हो रही है सारी बातें रिकॉर्ड हो गई है, उस सारे टीचर को रिकॉर्डिंग सुना देंगे कि सर ये पेरेंट्स का डिमांड है, ये कहना है, बच्चे को इस तरह से हैंडल करना है। और हाँ इसको आप जाके कर सकते हैं तो आप जाइए, तो जो टीचर उसमें कर दिए उनका जो भी डिटेल्स वगैरह है हम लोग ले करके आपका नंबर देंगे। आपके यहाँ डेमो होगा, 2 डेमो क्लास होगा, उसमें आपको देख लेना है और इसके बाद उसको कंटिन्यू करना है। होम ट्यूशंस है, उसमें कोई तरह की दिक्कतें नहीं आएगी सर। हाँ लेकिन इसमें आपको एक ग्राफ हम दे सकते हैं अभी, जो इसमें जो भी टीचर जाएंगे वो मार्केट में 8, 9, 10 को 10 साल से पढ़ा रहे हैं, मीन्स कि स्टूडेंट टाइप से नहीं रहेंगे वो। हाँ हाँ मैथ्स मैथ्स और मतलब साइंस चाहिए हमको, मैथ दोनों। और साइंस बच्चे को जैसे पढ़ना है वैसे बच्चे पढ़ सकते हैं, जहां से पूछना है पूछ सकते देखिए हैं। बच्चा का कॉन्सेप्ट, अभी बच्चा क्या समझेगा, अभी तो बच्चा को जो गाइड मिलेगा वही बच्चा समझेगा ना। तो बिल्कुल बच्चा सही तो बात है, चाहेगा कि जितना कम भरना पड़े, जितना जितना जल्दी शॉर्टकट रास्ता निकालना पड़े, लेकिन हमको तो वही रास्ता लेके चलना है जिसमें कि आगे वो कॉम्पिटिशन में पास कर सके, क्लियर कर सके। क्या तो उस हिसाब का जो कॉन्सेप्ट जो टीचर दे सके, जो इस हिसाब से प्रैक्टिस करवा सके, जो ब्रेन मतलब कि पजल करने के लिए ही होगा ना, पजल होगा तभी तो वो लड़का, एगो सिंपल एगो चलते जा रहा है, एक ट्रेन चलते जा रहा है,
हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है नहीं कि क्लियर दे दिया, उसमें तो तरह तरह का क्वेश्चन आएगा, मैथ्स में तरह तरह का क्वेश्चन आएगा, तरह तरह के तरीके से आएगा, उसको उस हिसाब से उसको डेवलप करना, बच्चा को डेवलप करना समझिए कि, और अगर थोड़ा थोड़ा डेवलप होगा, तेज होगा लड़का, तो ऑटो मोड में मजा आने लगेगा। मैं समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। वैसे टीचर चाहिए, वैसा टीचर नहीं कि मेरा मार्क्स हमको बहुत अच्छा मार्क्स ला रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, हम उस तरह के नहीं, उस तरह से नहीं है कि हमको मार्क्स एकदम 99। अरे कॉन्सेप्ट होगा तो मार्क्स तो लाएगा ही लड़का, लेकिन मार्क्स आने वाला का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। जी सर, जी सर। तो वैसा वैसे टीचर है जो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करे, वो वैसे टीचर हमको दीजिए। हम आपको टीचर सर बेस्ट देंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। जिनको भी भेजेंगे उनके पास अनुभव होगा पढ़ाने का, एक्सपीरियंस नॉलेज जो होगा सो होगा, प्लस में उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा। हम जो आपको चार्जेज बताए हैं वो एक एक्सपीरियंस टीचर का चार्जेज बताए हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बच्चे को समझ में आएगा। हाँ, दो डेमो क्लास इसलिए होता है कि हर टीचर का वे ऑफ टीचिंग जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है, तो बच्चे को टीचर का वे जो है, टीचर की बातें जो है, बच्चे और टीचर के बीच में बॉन्ड कैसा बन रहा है, बॉन्डिंग कम्युनिकेशन, हाँ सबसे बड़ा चीज होता है बॉन्डिंग। तो बच्चे और टीचर के बीच में बॉन्डिंग कैसा हो रहा है, जिसके लिए हम आपको दो ट्रायल क्लास देते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ये चीज समझ में आया 10 क्लास में कि नहीं, हमारे यहाँ जो टीचर अभी आ रहे हैं, सर जो भेजे हैं, उनका बॉन्डिंग हमारे बच्चे के साथ अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप वहां भी सर डिसीजन ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। होम ट्यूशन में सर आप एनी टाइम इंडिपेंडेंट है, जिस समय आपका डिसीजन होगा उस समय आप बदल सकते हैं टीचर को। और ऐसे भी जो टीचर ट्यूशन पढ़ाते हैं काफी मेहनती होते हैं और आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, वो अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स हम ऐसा काम करें कि पेरेंट्स हमको रेगुलर के लिए रखें। हम 9th में गए हैं तो चाहेंगे कि हम 10th बच्चे का बोर्ड करवा करके ही उस फैमिली से बाहर निकले। मेरा दोनों बेटा जो है वो उसमें पढ़ता है, जीवन पाटिल में है, एक 9th में है अभी, एक 4th में है। अच्छा, तो पहले पहले 9th वाले को हम देखना चाहते हैं, 9th वाला अगर अच्छा करेगा तो फिर हम 4th वाले को भी एक ट्यूशन हम करवाएंगे, दोनों अपना अलग अलग करेंगे। हाँ, अभी नाइन्थ तो उस हिसाब से हम चाह रहे हैं। एक अच्छे अच्छा टीचर दीजिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा से पढ़ाए। और नहीं सर एक सेकंड, जैसे सर हम जो टीचर देंगे अगर वो बायोलॉजी अच्छा पढ़ा पाएंगे तो मैथ अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे, मैथ अच्छा पढ़ा पाएंगे तो बायोलॉजी अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा, हाँ ये बात अभी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं सर, क्योंकि कल के मैथ फिजिक्स वाले हमको चाहिए। हाँ, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हमको टीचर ज्यादा ज्यादा जरूरी। हाँ, तो हम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ही टीचर देंगे। हाँ, तो वो बायोलॉजी पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे जी, बायोलॉजी में थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि नहीं कर देंगे। देखिए सर, गाइड करना एक अलग चीज है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि बच्चा हमसे पूछ दिया एक इकोसिस्टम के बारे में, हम नहीं जान रहे हैं, हम दूसरे दिन उसको थोड़ा सा देख करके आए और बच्चों को समझा दिए। और एक होता है पढ़ाना बच्चों को जिसमें डीपली नॉलेज देना, वो एक अलग चीज होता है। तो गाइड तो सर कर देंगे, गाइड के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा, गाइड बच्चों को टीचर के थ्रू लगभग क्या कहते हैं सारे सब्जेक्ट में भी मिल सकता है सर। लेकिन गाइड करना एक अलग हो गया कि बाबू ऐसे करो ऐसे करो ऐसे हुआ, ठीक है ना, टूटी फूसी बात भाषा में समझा देना। और एक हुआ बच्चों को प्रॉपर वे से समझाना, बच्चों को थोड़ा डीपली बताना, बच्चा नहीं समझे। आप जो भी भेजेंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए भेजेंगे? हाँ नहीं, आप जैसा बोलेंगे उनको भेजेंगे। जैसे आप कह देंगे कि सर कि नहीं हमारा मोटो मेन बायो है, ठीक है ना, तो जिनका बायो मेन सब्जेक्ट है उन्हीं को हम भेजेंगे। अगर आप नहीं, मेरा मेन जो है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है। हाँ, तो हमको मैथ वाले टीचर को भेजना होगा। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये तीनों चीज जिनका वो क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके उनको। जी सर। हाँ, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर को हम भेजेंगे सर। हमको एक दिन का टाइम दिया जाए सर, कल शाम तक भेजने की हम कोशिश करेंगे सर। कल शाम तक नहीं भेज पाए तो परसों तो डेफिनेटली भेजेंगे, क्योंकि हमें भी काउंसलिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सभी टीचर से बात करना पड़ता है, सभी टीचर से समझना पड़ता है, पेरेंट्स जो बोले वो बात को समझे टीचर भी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमको टाइम चाहिए सर। कल हम भेजे तो भेजे, नहीं तो परसों शाम में डेफिनेटली भेजेंगे 4 बजे के बाद। अच्छा, और पेमेंट के लिए भी उनसे बात करना पड़ेगा या पेमेंट के लिए आपसे बात करना पड़ेगा? पेमेंट सर आपका 5,000 रुपीज 4 डेज क्लास, ये फाइनल पेमेंट है सर। अच्छा, अगर आपको अगर आपको टीचर पसंद आ गए, ठीक है ना, तो पेमेंट में कोई तरह का बार्गेनिंग नहीं होगा सर। अगर पसंद नहीं आए
तो कोई बात नहीं है, आप मना कर सकते हैं, टीचर को भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, आप हमें भी बोल सकते हैं। मैं ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? संजय संजय प्रकाश। संजय प्रकाश नाम। ठीक ठीक तो ठीक टीचर से बात करें सर? हाँ एकदम बात कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ओके सर, थैंक यू सर। मैथ का प्रैक्टिस जो है ना मेरा बेटा बहुत कम करता है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहता है, लेकिन जब मैथ का प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहा है ना तो फिर हमको बहुत दिक्कत। मैथ का कौन सा बुक अभी बाबू बना रहा है सर? आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों का देख के, जो अभी स्कूल में चलता है ना उसी हिसाब से। लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ा सा मैथ का जो है पकड़ थोड़ा ज्यादा हो। तो मैथ का पकड़ ज्यादा हो सर, तो पहले आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी बच्चे अच्छे से पढ़ ले, इसके बाद एक बुक आती है मैथ की आर डी शर्मा, जिसका थोड़ा स्टैंडर्ड अप होता है आर एस अग्रवाल से। तो पहले ये दोनों खत्म करेगा तो ये दोनों में ही है उसको प्रॉब्लम हो रही ना। हाँ, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी। नहीं तो हम अपने जिन टीचर को भेजेंगे तो ये बातें तो सारी सुनेंगे ही सर, और उनको भी बता देंगे सर कि थोड़ा सा मैथ में बच्चों को ज्यादा फोकस करना है। मैथ डेली उसको 20-25 मैथ डेली प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क में दीजिए, जिससे कि वो डेली बनाकर चलाए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान करके कल आ जाइए तो ज्यादा अच्छा। नहीं, कोशिश तो करेंगे सर, लेकिन देख लेते हैं, ऐसे हम एक दिन एक्स्ट्रा टाइम आपसे ले लिया है पहले ही, कल मेरी कोशिश रहेगी सर। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर।